पर अपने यहाँ तो उस लोगों का काम ही टाइम पास करना है, उस लोगों का काम ही टाइम पास करना है यहाँ मजलूम। और एक बारीक बात पहुंचे तो मुझे बताना, बहुत शब्द के सिर पर आपका प्यार करूंगा। यहाँ मशीनों का काम मशीनें करती है और मनुष्य का काम मनुष्य करते हैं, पर वहां पर मनुष्य सिर्फ वही काम करते हैं जो मशीनों द्वारा संभव नहीं है। आदमी संतान पैदा करे और पाले पोसे, बाकी सब काम मशीनों के भरोसे। पूरे मुल्क में मशीनों का जाल है पंटे सिन्हा, पूरे मुल्क में मशीनों का जाल है, मशीनों का कमाल है, मशीनों का बड़ा काम है पंक्ति सुनना, मशीनों का बड़ा काम है। वहां पर तो मनुष्य भी मशीनों को चलाने वाली ही एक मशीन का नाम है। वहां पर तो मनुष्य भी मशीनों को चलाने वाली ही एक मशीन का नाम है। मशीनों पर भरोसा है, मनुष्य पर यकीन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मनुष्य मनुष्य है, मशीन नहीं है। हमारे यहाँ मनुष्य मनुष्य है, मशीन नहीं है। आप कहेंगे मनुष्य और मशीन में क्या फर्क, तो सुनिए ये तर्क कि मशीन में संभावना होती है, भावना नहीं होती। क्या बात है, बात अच्छे लगे तो मुझे बताओ यार। मशीन में संभावना होती है, भावना नहीं होती। मशीन में संभावना होती है, भावना नहीं होती। करामात होती है, जज्बात नहीं होते। मशीन में करामात होती है, जज्बात नहीं होते। सच्चाई होती है, सपने नहीं होते। इसलिए मशीनों के कोई अपने नहीं होते। ये काम आप ही कर सकते हो। मशीनों के पास व्यवहार होता है, विचार नहीं होते, आपसी सरोकार नहीं होते। और इस पंक्ति पर मैं यहाँ से वहां तक लोगों की तालियां चाहूंगा। मशीनों के पास व्यवहार होता है, विचार नहीं होते, आपस के सरोकार नहीं होते। और सबसे बड़ी बात कि मशीनों के पास माँ बाप से मिले हुए संस्कार नहीं होते। काश वहां पर भी मनुष्य अपने दिमाग के खेतों में मशीनों के बीज नहीं बोते, तो वहां पर भी, वहां की धरती पर भी मनुष्य जैसे ही मनुष्य रहते, मशीनों जैसे मनुष्य नहीं होते। तो वहां से जो हवा आती है, हम उसका अंधानुकरण करने लगते हैं। एक हवा आई, एक झोंके में आया, वैलेंटाइन डे, हमने उसका अंधानुकरण चालू कर दिया, तो अपने को ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि जो काम अपन ने नहीं किया, अपने बेटे बेटियों को कैसे करने दें। मैंने एक कविता लिखी था, फर्स्ट एंड लास्ट वैलेंटाइन डे ऑफ माई लाइफ। अपन उनकी नकल नहीं करना चाहते। अपने तो यहाँ प्यार के बारे में कॉन्सेप्ट है। मैं सब छोरों को रोकता हूँ, कॉलेज वालों को, इसको मत मानो भाई वैलेंटाइन डे को, पर मेरी मानते नहीं है। मैं कितनी लॉजिकल बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अपने यहाँ कॉन्सेप्ट है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो जिस जो चीज ऑटोमेटिक होने की है, करने की है ही नहीं, उसे कर कैसे लोगे रे छोटो। और वो भी है कि दिन में। लेकिन वैलेंटाइन डे इस युग का नया फंडा है, लव का शॉर्टकट सिस्टम है। दो यार नितो यार हो गया, ऐसे ही फूल दिया यार हो गया, कार दिया कार लिया, काम पक्का, फिर रुके ही नहीं प्यार का चक्का। दरअसल ये वैलेंटाइन डे प्रेमी प्रेमिकाओं की आखा तीज है। की चीज है। इसमें आपत्ति यह है कि मैं इसको कामोत्सव मान सकता हूं, प्रेमोत्सव नहीं मान सकता। क्या बात है, क्योंकि हमारे यहाँ वासना और प्रेम अलग अलग चीज है, वहां लव में सारी चीजें आ जाती है। हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन है, तो मैं कहता हूँ हम आगे पहुंचे हो तो आगे रहो भाई सबसे, इसलिए मैं मना करता हूँ। सुनना सर, एक कविता पढ़ सुनाता हूँ आपको, फर्स्ट एंड लास्ट वैलेंटाइन डे ऑफ माई लाइफ। शीर्षक अंग्रेजी में, कविता हिंदी में। मैं वासनाओं से भरा हुआ हूँ और कहता हूँ इसको प्यार, वासनाओं को प्यार व्यक्त करता हूँ, अंदर वासनाएं हैं, बस इस दोगले आचरण को मैंने लिखा है। हंसते हुए आप इस पर ध्यान रखना, सुनिए। हाँ जी, दुमदार दोहे हैं, ये श्रोताओं की पार्टनरशिप की कविता है। जब दोहे के साथ दुम आए तो आपको ठेका लगाना, ठेका यानी आहा, ये करना आपको। आप पार्टनरशिप निभाएंगे तो रचना पूरा आनंद देगी आपको। सुनना, वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, चला प्यार की आग में करने नया शिकार, देख
एक एक सुंदर लड़की भावना मेरी भड़की, ऐसे करोगे तो आनंद आ जाएगा। तो मैंने लड़की से कहा दे करके एक फूल, मैंने लड़की से कहा दे करके एक फूल, आजा मेरी माधुरी मैं तेरा मकबूल, मेरे सपनों की रानी बनाए प्रेम कहानी। तो नाना जी उसने कहा अंकल भी नहीं कहा सर, नाना जी कहके मेरे मोरल को पाताल में डाल दिया। मुझे नाना जी कहके खुद को तो बचाया जो बचाया, अपनी मम्मी को भी बचाया। इसे कहते हैं कोलगेट का डबल सुरक्षा चक्र। कैसे खूबसूरती देता है शब्द पर ध्यान देना। मैंने प्रेम प्रस्ताव रखा नाना जी, ये मतलब था अपन क्या समझ रहे थे। नाना जी उसने कहा खूब पड़ेगी मार, पहलवान की बहन से हुआ आपको प्यार, अगर ये फूटा बंदा यही कर देगा ठंडा। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल, भाई प्रेम नहीं करे तो फूल वापस, अपना इन्वेस्टमेंट काहे को डुबोए। मैं ये फूल किसी दूसरे को टिका दूंगा मेरे को। और नई सदी की ये त्रासदी है साहब कि आदमी प्यार भी व्यापार के नाम पर करना चाहता है। मैंने अपने तो रास्ता नहीं, मैंने गाना ही है नितर मारो फुलड़ो पाछो दे। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल, मुझको दिखी है डेढ़ सी एक महिला अनुकूल, फूल देख दे टटोला प्यार से मैं यूं बोला। और मेरी उम्र की महिला को मैंने कैसे प्रपोजल दिया प्रेम का, ये मैटर देखना, नोट कर लेना, काम आ सकता है, इतना एक्यूरेट मैटर नहीं मिलेगा। मैंने कहा लड़कियां गास नहीं डालती, अपने बराबर की उम्र से ट्राई करो। सुनना मैंने उसको कहा, मैंने कहा नोत रहा हूं मैं तुझे, बन जा मेरी फ्रेंड, मेरे जैसे अधेड़ लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। नोत रहा हूं मैं तुझे, बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है। ये कविता सुना ना कलेक्टर साहब उनकी पत्नी सुन रहे थे, तो कलेक्टर साहब की वाइफ ने यूं जान पे हाथ मार के कहा कलेक्टर साहब को मजा आ गया भाई साहब। और वो भी बोले थैंक यू बहन जी, ये कविता का आनंद है। नोत रहा हूं मैं तुझे, बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है, मैं भी सेकंड हैंड, साधना मेरी डोले, आज तू मेरी गोले। पर मेरी तकदीर में लिखी हुई थी खोट, लिपट गई खिसका लिए जेब से सारे नोट, चोट पैसों की खाई तभी घर वाली आई। ये तो हो गया कांड समाप्त, लेकिन मैंने लिखी क्यों कविता, इसका दोहा सुन लो। इसको आपने मान दिया तो मुझे लगेगा कि ये मेरा हंसाना सफल रहा है। बेवजह से मैं नहीं हंसाता, तब मैं बात करता हूँ मंच का, खास तौर पे ध्यान चाहूंगा आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। सुनिए कि वैलेंटाइन डे सार क्या कविता था, वैलेंटाइन डे यहाँ है कांटों का हार, प्रेमोत्सव ये है नहीं कामोत्सव है यार, प्यार एक कठिन तपस्या साधना जटिल समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कौन सा जाथोड़ी रहा था, मैं तो खुद ही ऐसे ड्रामा कर रहा था। सुनिए एक कविता आपको सुनाता हूँ, मैं 1.5 साल से जयपुर में रह रहा हूँ भी बताया, और जयपुर में मैं मकान ढूंढ रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिकल समस्या पे लिखी हुई कविता।
अभी किराए के मकान में रह रहा हूँ, मकान खरीदने के लिए ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। ये तभी भार्गव साहब ने आश्वासन दिया मुझे मकान दिलाने का, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका गिरदारी ला, अपना भी ये ख्याल, तो अपने को आश्वासन है, आश्वासन चल रहा है, भार्गव साहब दिलाएंगे अपने को मकान। लेकिन मैं प्रॉपर्टी डीलरों के चक्कर में पड़ा, अब मैं तो उनके बस में नहीं आया और वो भी मेरे बस में नहीं आया, इसलिए मकान नहीं मिला। एक कविता प्रॉपर्टी डीलर पर आपको सुनाता हूँ, खास जयपुर में जयपुर के लिए लिखी हुई कविता, आप सुनना आपको आनंद आएगा। इस प्राणी की चपेट में आप में से कोई ना कोई जरूर आया होगा, नहीं आया होगा तो जरूर आएगा। तो प्रॉपर्टी डीलर बहुत ऊंची चीज होते हैं, खरीदार को एक पेड़ पे टांग देते हैं, बेचने वाले को दूसरे पेड़ पे टांग देते हैं, फिर चुपचाप देखते रहते हैं कि खाद किसकी ज्यादा चल रही है। जिसका खाद ज्यादा चल रही है उसी की चमड़ी उतार लेते। अब सुनना कविता प्रॉपर्टी डीलर। मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछा तेरी प्रॉपर्टी कहाँ गई भाई? बोला बेच खाई। मैंने कहा आप क्या कर रहा है? बोला आप दूसरों की बिकवा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी मकान चाहिए, कोई अच्छा सा हो तो दिलवाइए। बोले वो बोला करते क्या है आप? पहले जेब तोलता है इसकी कितना बजट है। करते क्या है आप? मैंने कहा मैं कवि हूँ जनाब। बोले हो कवि है, कविता करते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले तब एक मकान है आलीशान है, तब एक मकान है आलीशान है। मैंने कहा मकान की कोई विशेषता? बोला मकान के एक तरफ पागलखाना है, दूसरी तरफ शमशान है। अरे मैंने कहा एक तरफ पागलखाना दूसरी तरफ शमशान? बोला खास आपके लिए ही है श्रीमान। वैसे तो कस्टमर बहुत आते हैं पर हम ये मकान सिर्फ कवियों को ही दिखाते हैं। मैंने कहा कवियों को किस लिए? बोला आते तो आप होते ही हो, देर सवेर पूरे भी हो जाओगे तभी राज की सुविधा बगल में पाओगी। और जो लोग आपकी कविताओं की चपेट में आएंगे उनका भी रखना पड़ता है ध्यान, इसलिए मकान के दूसरे बाजू है शमशान। मैंने कहा मजाक मत कीजिए, मकान नहीं हो तो कोई प्लाट दिला दीजिए। वो बोला प्लाट मत लीजिए, बना बनाए मकान लीजिए, आप बना नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं बना पाएंगे? अरे बोले हम आप दुखी होंगे अगर हम आपको बताएंगे। मैंने कहा बताइए। बोले कल ही बाजार में एक आदमी ने दूसरे से कहा कि एक कवि ने मकान बनाया तो दूसरे ने झट पूछ लिया तुझे चुटकुला किसने सुनाया? दूसरे ने झट पूछ लिया कि तुझे ये चुटकुला किसने सुनाया? मैंने उसे अपना पिंड छुड़ाया और अपने एक दोस्त के पास आया, दोस्त ने भी जगह पे नमक छिड़का, अपने नव निर्मित मकान का फोटो मुझे दिखाया, मैंने तारीफ की। मैंने कहा क्या खूबसूरत, क्या आलीशान मकान बनाया है दोस्त, मकान के सामने कितना खूबसूरत पेड़ लगाया है। वो संभलते हुए बोला पेड़ अभी नहीं लगाया है, अभी सिर्फ मकान बनाया है, दरअसल ये पेड़ फर्जी है जो इस फोटोमेट्रिक फोटोग्राफी से आया। ये पेड़ फर्जी है जो इस फोटोमेट्रिक फोटोग्राफी से आया है। मैंने जो उसे वस्तुस्थिति समझाई, मैंने भी अपने मकान की फोटो उसको निकाल कर दिखाई, मैंने भी उसको अपने मकान की फोटो निकाल कर दिखाई। वो बोला है तो कमाल हो गया भाईजान, वैसे का वैसा पेड़, वैसे का वैसा मकान। मैंने कहा दोस्त भगवान की मर्जी है लेकिन इस फोटो में पेड़ ओरिजिनल है, मकान फर्जी है। आप कहेंगे कि मैंने कविता क्यों सुनाई है? मैंने और कविता सुनाने का मकसद आप पर आपका ध्यान चाहूंगा। अर्चुप्रा मैंने कविता आपको क्यों सुनाई है? मैंने कविता इसलिए सुनाई है क्योंकि देश के नेताओं ने देश की तरक्की की, देश की जनता को पिछले 57 सालों में जो तस्वीर दिखाई है, दरअसल वो तस्वीर तो ओरिजिनल है लेकिन उसमें तरक्की ऐसे ही ट्रिक फोटोग्राफी से आई है, उसमें तरक्की ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक और तो मेरे प्राण निकल जाएंगे अब दूसरे दौर में आइए। मैं इस दूसरे दौर को शुरू करने के लिए अरे मैं तो यही रहने लग गया, कल तुम्हारे घर आके सुना दूंगा।